नमस्कार, सरना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूमिका और आई नजर डालते हैं हमारी खास खबर पर। महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण के बाद ऐसा लगता है कि राज्य में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक लामबंद तेज हो रही है। शिवसेना विधायक सुनील प्रभु ने कहा है कि जो पिछड़े हुए घटक हैं, चाहे वो मुस्लिम क्यों ना हो, उन्हें आरक्षण देना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। शिवसेना हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली है। शिवसेना विधायक की ओर से आया ऐसा बयान अपने आप में अभूतपूर्ण है, क्योंकि पार्टी हमेशा हिंदुत्व की राजनीति के लिए मुखर रही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर बीजेपी ने दाव चल दिया है, जिसकी वजह राज्य में जातिगत समीकरण बदल गए हैं। राज्य में मराठाओं की अच्छी खासी आबादी है और किसान आंदोलन से नाराज मराठा बीजेपी के पक्ष में लामबंद हो सकते हैं। ऐसा है कि पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे ने कहा है कि मराठा आरक्षण को जिस तरह से हमने प्रायोरिटी दी है, वह इस तरह से हम धनगर आरक्षण को प्रायोरिटी देंगे, उस तरह से लिंगायत आरक्षण को देंगे, और समाज में जो पिछले हुए घटक है जिसके लिए हम आरक्षण देना चाहते हैं, वो मुस्लिम क्यों ना हो, उनको आरक्षण देना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए और उनको इस तरह से न्याय मिलना चाहिए, और इसलिए अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली शिवसेना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वे मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। हालांकि पार्टी की ओर से कहा गया है कि वे कोर्ट में मराठाओं के आरक्षण का विरोध नहीं करेगी। वहीं ओवैसी एक संगठन ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका देने को कहा है। कई दशकों से मराठा समाज जो संघर्ष कर रहा था, आज एक प्रकार से राज्य सरकार ने उसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई की है और हमारे विधानमंडल के दोनों सभागृहों ने एक मत से यूनानिमसली इस कानून को पास किया है। दूसरी ओर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुस्लिमों के जिन जातियों को लगता है कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, उनको राज्य पिछड़ा आयोग से संपर्क करना चाहिए। आयोग की किसी भी सिफारिश को सरकार मानने के लिए बाध्यकारी होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधानसभा को बताया कि जिन लोगों को लगता है कि मुसलमानों में ऐसी जातियां हैं जिन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, तो वे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संपर्क कर उसे सर्वेक्षण के लिए अनुरोध कर सकते हैं। फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है और मुसलमानों और ईसाइयों में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में कुछ पिछड़ी जातियां हैं, क्योंकि उन्हें हिंदुत्व में धर्मांतरण के समय अपनी जाति बरकरार रखी थी। अभी मुसलमानों में 52 पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया गया है। हमारी खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए सेवना न्यूज के साथ। नमस्कार।